Hello everyone, this is Sujit Naik and today we are going to learn about Unit 9. Okay, we have reached to Unit 9 and the name of this poem is Granny Granny, Please Comb My Hair. What is the name of this poem? Granny Granny, Please Comb My Hair. Granny Granny, Please Mere Baal Banao. Okay. ये स्टोरी क्या बोलता है जरा देखते हैं. डू यू हैव अ ग्रैंड पेरेंट हु डज थिंग फॉर यू. लेट्स रीड अबाउट ग्रेनी इन दिस पोएम. ओके, क्या आपके पास ग्रैंड पेरेंट हैं जो कि आपके लिए ये चीजें करते हैं. आज हम लोग क्या करेंगे, ग्रेनी के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेनी यानी कि ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ग्रेनी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्रेनी, GRANNY, ग्रेनी. ओके, देखते हैं क्या है ये चीजें. GRANNY, ग्रेनी. ग्रेनी मीन्स व्हाट? ग्रैंडमदर. ठीक है. प्लीज, PLEASE, प्लीज. COMB, कम्ब. हेयर, HAIR, हेयर. अंडरस्टूड? ओके. प्लीज, प्लीज का मतलब क्या होता है कि कृपया, है ना. और उसके बाद क्या होता है कि कम्ब. कम्ब मतलब आपका जो बाल बनाने वाली जो कंघी होती है ना, उसको बोलते हैं कम्ब. ओके. यू ऑलवेज टेक योर टाइम. ALWAYS, ऑलवेज. TAKE, टेक. YOUR, योर. TIME, टाइम. ऑलवेज, हमेशा. ठीक है. टेक, लेते हो. या फिर योर टाइम, तुम्हारा टाइम लेते हो. ठीक है. यू ऑलवेज टेक सच, SUCH, सच, CARE, केयर. तुम हमेशा ऐसे ही केयर लेते हो. ओके. सच, SUCH, सच, CARE, केयर. यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन. PUT, पुट. SIT, सिट. कुशन, CUSHION, कुशन का मतलब क्या होता है? तकिया. ओके. सिट का मतलब बैठना होता है, पुट का मतलब रखना होता है. ठीक है. बिटवीन योर नीज, BETWEEN, बिटवीन. बिटवीन मीन्स व्हाट? बीच में. ठीक है. योर नीज, KNEES, नीज. नीज का मतलब क्या होता है? घुटने. ठीक है. ओके. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल. रब, RUB, रब. रब मतलब घिसना. ठीक है. लिटिल, LITTLE, यहाँ पे कम होगा. ठीक है. लिटिल कम होता है या फिर छोटा होता है. ठीक है. कोकोनट, COCONUT, कोकोनट, नारियल. ओके. ऑयल, OIL, ऑयल. पार्टिंग, PARTING, पार्टिंग. ठीक है. जेंटल, ZENTLE, जेंटल. और ब्रिजी, BREEZE, ब्रिजी. यानी कि पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रिजी, इसका मतलब क्या होता है? आपको फूंक मार के आप अलग अलग करते हो, दो हिस्सों में बांट देते हो. क्या बांट देते हो? बाली बांटते होंगे, है ना. ओके. ग्रेनी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. दुनिया में जितना टाइम है सब कुछ तुम्हारे पास है, है ना. पापा के पास टाइम नहीं होता है क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं. मम्मी के पास टाइम नहीं होता है क्योंकि वो काम करती है. और आपके पास टाइम ही टाइम होता है ना. और इसलिए आप हमारे साथ हमेशा रहते हो. दैट्स व्हाई सब लोग अपनी दादी को लेके या फिर अपनी ग्रैनी को लेके टची हो जाते हैं, राइट. ओके. यू हैव ऑल द टाइम. HAVE, हैव. हैव मतलब होना, है ना. और ऑल द टाइम, TIME, टाइम मतलब टाइम ही होता है. एंड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड होता है, उसको वर्ल्ड मत पढ़ना. ठीक है. वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? दुनिया. ओके. एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड क्या होता है? AND, एंड. WHEN, व्हेन. YOURE, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूर बना दिया. UR को YOU apostrophe RE. apostrophe कुछ दिन पहले हम लोग ने पढ़े थे, याद है. ठीक है. उसके बाद फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड. ठीक है. यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से. फिनिश का मतलब क्या है? खत्म करना. ओके. यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से.
ALWAYS हमेशा, ठीक है। टर्न TURN टर्न मतलब घुमाना। माई हेड मेरा सर HEAD हेड। एंड से नाउ हु इज अ नाइस गर्ल NOW नाउ WHOS who is को शॉर्ट फॉर्म में हुज लिखा गया WHO apostrophe S, ठीक है। अ नाइस गर्ल अब बताओ कौन एक अच्छी गुड़िया है और अच्छी बच्ची है, राइट। वेल ये आपका स्पेलिंग्स था। चलो मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं इसको। ग्रैनी प्लीज कम बाय हेयर, यू ऑलवेज टेक सच केयर, यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, parting gentle as a breezy, granny you have all the time in the world, and when you are finished you always turn my head and say now who's a nice girl। वेल ये आपको रिपीटेड पढ़नी है, इसको पढ़ के आपको मास्टर करनी है, इसको अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ठीक है। ओके दिस मच फॉर टुडे। टुमारो वी विल डू समथिंग मोर फ्रॉम दिस टॉपिक। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।